सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। और आज का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, लिटरली मतलब बारिश 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 बारिश, सुबह से बारिश आ रही है क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में हाई अलर्ट आ रखा है ना बारिश के, तो इसलिए। और स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई, मतलब जो भी बच्चे हैं सबके स्कूल की छुट्टी हो गई, तो भयंकर हो रखा है मामला। और सुबह सुबह लिटरली इतनी बारिश आई ना, थोड़े दूर के घर ना दिख भी नहीं रहते, इतनी जोर की आई। और देख लो तालाब बन गया इधर, देख लो खेतों में, मतलब लिटरली तालाब बन गया सारे खेतों में और सूख ही नहीं रहा है पानी। तो बहुत भयंकर बारिश, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। दो तीन दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, अजीब सा हो रहा था और बारिश भी नहीं आ रही थी। मार्केट मार्केट में आ रही थी, इधर नहीं आ रही थी। अब ऐसा हो गया है ना गाइस, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी भी मैं बारिश में ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है बारिश में, समझ लो मज़ा आ रहा है। अब मेरे ख्याल से अब ये मानसून वाला ही पीरियड चलेगा और बहुत टाइम तक आपको मेरे ब्लॉग में बारिश देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बारिश आ रही है, क्या करें, है ना। और अभी ना गाइस, ये मत सोचना कि मैं ऐसा कहीं बाहर जाऊंगा या फिर कहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे ना यार सेफ़ नहीं रहता है यहाँ, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए मैं कम से कम जाने की सोचूंगा। वैसे तो जाऊँगा, देखो मैं तो ढीठ हूँ, वैसे तो जाता तो मैं हमेशा से ही हूँ, तो देखते हैं आज जा पाएंगे तो ठीक है, आज कोई न्यूज़ होगी यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ऐसा प्रॉब्लम है तो नहीं जाएंगे, तो ठीक है। अभी करते हैं सुबह का नाश्ता फटाफट, और अभी बज रहे मेरे ख्याल से 8:30 करीब। थोड़ी सी बारिश हो गई थी तभी मैं व्लॉग करने आया, नहीं तो अभी इतनी भयंकर बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले कर ही नहीं सकता था, अभी तक भीग जाता मैं व्लॉग करते करते, इतनी बारिश थी। तो चलो खाना पीना खाते हैं मस्त। तो चलो गाइस अभी करते हैं सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में है आलू का पराठा एज यूजल, आम और ये आम का अचार और जूस, तो मस्त करके खाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कहीं पर। मम्मी तो मस्त बैठी है अपना नाटक देख रही है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं फटाफट अपने पासपोर्ट के काम से, और खाना पीना वगैरह हो चुका है, बारिश भी रुक गई है, काफ़ी सही हो गया है। और छिक छी यार धूप आ गई, तो कोई नहीं, एक ही दिन का हाई अलर्ट था मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और इनको देख लो गाइस कैसे सोए पानी में बारिश में, ये सब के सब, इन सबको ना ऐसे ही मज़ा आता है, पानी 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 चाहिए होता है, ये नहाने के लिए डरते भी नहीं है। बहुत से कुत्ते होते हैं ना डरते हैं नहाने में, ये नहीं डरते, इनको मज़ा आया, मस्त मज़े लेते हैं पानी में, तो ठीक है। चलते हैं अभी स्कॉर्पियो में चलते हैं करवाने अपना काम, फिर देखते हैं आगे ब्रेक के बाद। तो गाइस आज मैं नहीं भूलूंगा आपको रास्ता दिखाना, आज मैं आपका आपको पक्का रास्ता दिखाऊंगा। ये लो देखो कितना प्यारा रास्ता हो रखा है, देख रहे हो आज, ओहो मज़ा आ गया, हरियाली हरियाली वाह। अबे यार आज है दुकान बंद क्योंकि आज है सैटरडे, हजवानी पूरा बंद रहता है ना सैटरडे को, तो इसलिए दुकान भी बंद है पासपोर्ट वाली। अब हो गया मेरा काम फटाफट। चलो कोई नहीं, मार्केट को चलते कोल्ड कॉफी पी के आते, कुछ नहीं तो कोल्ड कॉफी, चलो। गाइस प्लान में आ गया है थोड़ा सा चेंज, अब जा रहा हूं मैं खाने के लिए भुट्टा, क्योंकि इस टाइम पे भुट्टे खाने का कुछ अलग ही मजा होता है, बारिश और भुट्टा का कॉम्बिनेशन एक अलग ही लेवल का है, और मिर्च मिर्च लगाएंगे उसमें, बटर वाला भुट्टा खा के आएंगे। तो चलो अभी चलते हैं पहाड़ों की ओर और खा के आते हैं थोड़ा बहुत भुट्टा, अकेले नहीं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। गाइस मेरे को एक कमेंट आया था कि आप अकेले अकेले क्यों जाते हो, किसी के साथ क्यों नहीं जाते हो, तो गाइस मेरा क्या है ना यार, मैं अपनी लाइफ में बहुत कम लोग रखता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है। जितने ज़्यादा लोग रखोगे ना आप अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बाकी तो अपनी लाइफ में मैं कम रखता हूँ, पर जान पहचान तो है ही हल्द्वानी में पहले से, तो वो चीज़ काम आती है सबसे ज़्यादा तो मेरी, कि जो जान पहचान मैंने अपनी मतलब अपने तरीके से बनाई है, ऐसे नहीं यूट्यूब वगैरह से, ऐसे नहीं अपने तरीके से जो बना रखी है। तो चलो अभी ये छोटा डॉन इज हेयर, शर्मा गया। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट खाने नॉन स्टॉप भुट्टा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो उधर ही जाएंगे खाने के लिए। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम भटजी भुट्टा वाला के पास, समझ रहे हो, तो आज तो भटजी है नहीं तो उनके पापा है, तो खाते हैं अभी भुट्टा मस्त करके। और
एपिक, मजा आ गया। तो गाइस अभी मैंने ले लिया है घर के लिए भी भुट्टा, तो रखते हैं इधर, इसके लिए अलग से सीट है, ये लगा देते हैं, गिरेगा नहीं। तो गाइस भुट्टा वगैरह खा लिया है, अब चलते हैं फटाफट घर को और फिर मम्मी को खिलाते हैं भुट्टा। मम्मी के लिए ले गया हूँ, मस्त खाएगी मम्मी भी और एक दो मैं भी खा लूंगा। चलो वाह गाइस दुकान खुल गई, मजा आ गया। अब करवाता हूँ अपना पासपोर्ट का काम फटाफट। मजा नहीं लाई, मेरे को लग रहा था कि खुली होगी, तभी मैं चेक करने आया, मस्त खुली है। करवाते हैं पासपोर्ट का काम। सो फाइनली गाइस अब हो गया है मेरा पासपोर्ट वाला काम पूरा, बस अपॉइंटमेंट है 13 तारीख को अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जाना पड़ेगा बस और कुछ नहीं। 12:30 का अपॉइंटमेंट है, तो अल्मोड़ा जाएंगे 13 तारीख को, मस्त। और फिर उसके बाद तो सारा खत्म, सारा काम खत्म, फिर तो बैठे बैठे होगा जो भी होगा। तो चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट घर को, क्योंकि अब फिर से हो गया है बारिश आने वाला मौसम। देखो देख रहे हो, फिर बारिश आएगी, भयंकर होने वाला है, बारिश ही बारिश होने वाली है अब तो उत्तराखंड में। तो चलो अब घर चलते हैं, मम्मी को सूखे हुए भुट्टे दे देते हैं। मम्मी की किस्मत ही खराब है, ठंडे हो गए होंगे भुट्टे पूरे 100%। खा रहे हो भुट्टा? कहाँ से लाया? ये ऊपर से पहाड़ से। ठंडे हो गए कितनी देर? इसमें गर्म करो, इसमें माइक्रोवेव ओवन में गर्म करो, मस्त हो जाएंगे। चलो गाइस भुट्टे गर्म करते हैं। आप निकालो, बहुत ही गर्म हो गए। मुझे डर लगती है, बंद कर। बंद अब बंद है वो, इसे निकाल दे। निकालो उसे, तू निकाल। भाई यार मैं कैसे निकालूं? ऐसे निकाल, आओ ऐसे पकड़ ना, बीच में छोड़, ला ला ला। बस तो ही है ना। हाँ खा के देखो इसे। खा तू, खा उसको, इसको। हाँ अन्या अन्या क्या कर रहे हो? मुझे लगा नहीं रहा, कैसे चलेगा इतना गर्म थोड़ी ना। मस्त है ना, ये पॉपकॉर्न निकल गया इसमें से। पॉपकॉर्न वाले भुट्टे खाओ, मस्त, मैं भी खाता हूँ गाइस। मजा आ गया, एपिक। ये अलग खाओ, ये सॉफ्ट हो रहा है एकदम। निकाल तो, रोई निकाल तो, वहां से कहाँ से निकाल ला रहे? आज ही है ना। ये भी पुरानी है पर बड़ी लेट की है। डिस्ट्रॉय कर दिया, चीटी वाला। तो चलो गाइस अभी चलते हैं कटवाने बाल, क्योंकि ना बहुत बड़े से हो गए और इरिटेशन से हो रही है, आजकल गर्मी भी हो रही है ना, तो गर्मी के चक्कर से हो जा रही है। आज तो ठंडा ही था, बारिश थी, पर मजा ऐसा नहीं आता है यार, बाल ज्यादा बड़े होते हैं, थोड़े से ही बड़े हो जाते हैं ना, अजीब सा लग जाता है। तो कटवा के आते हैं फटाफट से बाल, आपको बताइए कहाँ कटवाता हूँ मैं, है ना, तो वहीं चलेंगे कटवाने। तो चलो, इतनी दूर भी जाता, नजदीक में ही कटवा लेता। क्यों, यहाँ से तो कहाँ जाता तू? वो क्या कहते हैं, क्या चौराया है वो, तिकुनिया चौराया। हाँ तो भाई प्रोफेशनली कटवाता हूँ मैं बाल हमेशा से, उतने दूर मैं बचपन से कटवाता हूँ धरी। जितने मैं यहाँ बाल कटवा लू ना, उतने में तो तेल खर्च करता, फिर उसके पास बाल कटवाए पैसे अलग हुए। मैं कटवाता हूँ बहुत पहले से, समझ लो 20 साल तो तेरे को ऐसे बोलते नहीं, जैसे गाइस ठेले वाले बोलते हैं, ठेले वाले ऐसे, हाँ भाई 20 साल पुरानी दुकान है, ऐसी 20 साल पहले से, 100 साल हो गए मेरे को बाल कटवाते हुए। तेरे को साल कितने हो रहे हैं? मतलब तू पैदा होते ही बाल कटवाना शुरू कर दिया था और क्या। अच्छा, मेरे बाल ही बाल थे। चल 5 साल तक तो तेरे बाल मैंने, 10 साल तक तो घर ही काटे। तुमने काटे थे उस तरह से? उस तरह से और क्या, फटाफट गंजा करवाया तेरे को भाई, पता नहीं फड़वा वड़वा भी मारा होगा इन्हें, फड़वे से भी काट दूंगे। हाँ यार ये लोग, हाँ यार गाइस ना बचपन में भयंकर गंजा करवा देते मेरे को, और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, और मैं फिर नाई को गाली देके आ जाता था। गंजे करवा देती थी। हाँ भाई तो बड़ा तेज था वे बचपन में, गाली देके आ जाता था नाई को, भाई तूने छोटा क्यों कर दिया करके। दौड़ लगाता था पापा के पीछे, स्कूटी के पीछे। क्यों क्यों? मैं भी आ रहा हूँ। फिर बाल कटवा देते। छोड़ो यार बचपन की बातें बता रहे हो अंटे संटे। चलो चलते। तो गाइस कुछ ऐसे कटे हैं बाल,
देखो नॉर्मल नॉर्मल से थोड़े थोड़े से कटे हुए हैं, देख रहे हो, और यही कटवाने थे मेरे को, तभी मैं आया। तो अभी चलते हैं घर को वापस, 10 बज गए लिटरली 10, मैं निकला था 8:30 बजे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है इधर, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो चलो तो चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट घर को, बहुत रात हो गई, बहुत लेट हो गई, भागो आप घर को, घर में डांट खानी पड़ेगी अब मुझे। खाना नहीं खाऊंगा आज, मैं आज डांट खाऊंगा घर जाके। चलो